विश्व भर में प्राकृतिक शहद के स्वास्थ्य लाभों की बढ़ती स्वीकार्यता देखते हुए इसकी मांग 2022 तक 25 लाख टन तक पहुंचने का अनुमान है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दृष्टिकोण से प्रभावित होकर एनडीडीबी रोजगार और आय का एक वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराने के लिए किसानों के बीच वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। ये पहल देश भर में स्थापित डेयरी सहकारिता नेटवर्क का उपयोग करेगी, लेकिन शहद की प्रामाणिकता का मूल्यांकन अमेरिका और यूरोपीय संघ में निर्यात के लिए एक पूर्व आवश्यकता है। भारत में शहद की शुद्धता और गुणवत्ता के इन कड़े मानदंडों की जांच के लिए विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला का अभाव था। निर्यात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नमूनों को परीक्षण के लिए जर्मनी और अन्य यूरोपीय प्रयोगशालाओं में भेजा जाता था। राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के सहयोग से एनडीडीबी ने गुजरात के आणंद में अपनी बहुविषयक काफ प्रयोगशाला में शहद परीक्षण के लिए एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला की स्थापना की है। इस प्रयोगशाला ने एनएबीएल से आईएसओ 17025 की मान्यता प्राप्त की है और जुलाई 2020 के नवीनतम FSSAI नियमों के अनुसार शहद परीक्षण के लिए भारत की ये एकमात्र मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला है। ये उन्नत प्रयोगशाला BIS, EGMARC, कोडेक्स और EIC मानकों के अनुसार शहद का परीक्षण करती है। मधुमक्खी पालन उद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु ये प्रयोगशाला NDDB या NBB के साथ पंजीकृत किसानों को रियायती दरों पर परीक्षण प्रदान करती है। NDDB और NBB की ये पहल घरेलू उत्पादों की विश्वसनीयता प्रमाणित करेगी और हमारे किसानों के लिए नए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार खोल देगी।